में किसी ने कहा था कि अमिताभ बच्चन नंबर वन है, अभी भी आप मानते हैं कि अगर सबसे बड़ा है वो शाहरुख खान? तो दुनिया मानती है मैं। बॉलीवुड का बादशाह किंग खान, इससे टैग रोकने वाला एक्टर SRK को कौन नहीं जानता। अमिताभ और अशोक कुमार के टाइमिंग से बॉलीवुड में राज करने वाला एक्टर शाहरुख खान अब तक 70 से 80 मूवी बना चुके हैं और कई अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। तो उसी वजह से आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SRK की न्यू अपकमिंग मूवी जो 2023 से लेकर 2026 तक आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बिना किसी वक्त बर्बाद किए अभी वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर वन मूवी के बारे में। फर्स्ट नंबर पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है जवान, जिसका हाल ही में प्रीव्यू रिलीज हुआ था यूट्यूब पर, जो आप लोग को 7th of September 2023 में देखने को मिलेगा। अभी ज्यादा इस मूवी के बारे में बात ना करते हुए अभी बढ़ते हैं हमारा लिस्ट का सेकेंड पॉइंट मूवी के ऊपर। सेकेंड नंबर पे जो मूवी है उसका नाम है डोंकी। राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बने ये मूवी को हिट करने के लिए कोई भी प्रमोशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मूवी भी सुपर डुपर हिट होने की एक ही कारण है, जवान मूवी के तरह अच्छे डायरेक्टर के चलते ये मूवी ऑफकोर्स हिट ही होगा। क्योंकि ये दो मूवी के डायरेक्टर के मूवी करियर हिस्ट्री को अगर चेक करोगे तो ज्यादातर मूवी या तो सुपरहिट या फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर देखने को मिलेगा। अगर बात करें इस मूवी का रिलीज डेट की तो दिसंबर महीने 2023 में आप लोग को यह देखने को मिल जाएगा नियरेस्ट सिनेमाघरों में। नंबर थ्री पे जो मूवी है उसका नाम है टाइगर 3, जिसमें स्पाई यूनिवर्स में सलमान खान के इस मूवी में शाहरुख खान भी नजर आएंगे और फुल मूवी शाहरुख खान का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए ये नजर आएंगे आज ए सपोर्टर के तरह। ये मूवी का रिलीज डेट की अगर बात करें तो 2023 के एंड में या फिर दिवाली तक ये मूवी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मूवी का नाम है रावण 2, जो 2012 में अपना जलवा दिखा दिया था VFX और ग्राफिक्स के बदौलत। रावण 2 एक ऐसा मूवी है जो बजट के मामले में बहुत ही ज्यादा स्पेंड करेगा अपनी मूवी में, क्योंकि मूवी में ग्राफिक्स और VFX की सख्त जरूरत है, क्योंकि फुल मूवी ग्राफिक्स और VFX पे ही टिकी है। ये तो पता नहीं है कि रावण मूवी में कौन कौन एक्टर देखने को मिलेगा, पर हाँ इस मूवी में SRK की रोल कन्फर्म है। और अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो ये भी आप लोग को 2023 में शूटिंग होता हुआ नजर आ जाएगा और 2025 तक ये मूवी रिलीज भी हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं हमारा लास्ट मूवी के ऊपर, जिसका नाम है डॉन 3। डॉन 3 एक ऐसी मूवी है जिसको बनाने के बाद 2022 से चल रहा है, पर आज तक शाहरुख खान ने इसको डेट ही नहीं दिया है। तो ये मूवी भी आप लोग को 2025 की एंड या फिर 2026 की जनवरी या फिर फरवरी मंथ में रिलीज होता हुआ नजर आएगा। तो यही थी कुछ SRK की न्यू अपकमिंग बॉलीवुड मूवी जो 2023 से 2026 के बीच में देखने को मिलेगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, बाकी कमेंट करके बता सकते हो कि इन 5 मूवी में आप किस मूवी को वेट कर रहे हो। तो मिलते हैं इसी तरह की और कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।